मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी फिल्म धर्मवीर में धर्मेंद्र के बचपन की भूमिका उनके बेटे तथा आज के स्टार बाबी देओल ने निभाई थी। 1953 में गुरुदत्त ने गीता बाली की बहन के सहयोग से फिल्म बाज का निर्देशन किया था। एच जी बैना के तले इस फिल्म में उन्होंने गीता बाली के साथ मुख्य भूमिका भी की थी। वैसे स्वतंत्र रूप से बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म थी आसपास। बेशक रेखा मैट्रिक फेल है, लेकिन उसने 9 साल मद्रास स्थित चर्च पार्क में गुजारे हैं। होटल शालीमार की पहली कॉन्फ्रेंस में उसने सेक्स पर ऐसे बोल्ड बयान दिए कि उपस्थित पत्रकार दंग रह गए। हिमांशु राय और पाल के प्रयास से विंडसर कैसल में लाइट ऑफ एशिया का राजसी प्रदर्शन हुआ, जिसमें महारानी मेरी तथा शाही परिवार के अन्य सदस्यों ने उसे देखा। अपने जमाने के प्रसिद्ध खलनायक और चरित्र अभिनेता के एन सिंह का पूरा नाम कृष्ण निरंजन सिंह था। दक्षिण भारतीय सुपरहिट तुनाई वर्क भगवान मुरुगन पर आधारित फिल्म श्रीदेवी के अभिनय के कारण चली थी। उस समय श्रीदेवी मात्र 5 वर्ष की थी। आर के फिल्म की आह के अंत में हीरो राज कपूर को मरते हुए दर्शाया गया था, जिसके कारण शुरू में फिल्म फ्लॉप हो गई थी, मगर अंत बदल कर नायक को जिंदा रख फिल्म का पुनः प्रदर्शन किया गया, तब फिल्म अच्छी खासी चल पड़ी। सन 1928 में इंपीरियल फिल्म कंपनी का सिनेमा गर्ल चित्र बना, जिसमें पृथ्वीराज कपूर प्रथम बार नायक बनकर आए। नायिका एर्मलाइन थी। उस समय पृथ्वीराज 100 रुपए मासिक पर काम कर रहे थे। जयाप्रदा को दक्षिण की दूसरी हेमा कहा जाता है, लेकिन जयाप्रदा खुद जया भादुरी की फैन है। उसने जया की अभिमान कोशिश और मिली कई बार गौर से देखी है। उसी के शब्दों में, लेकिन यह संयोग है कि मेरी पहली फिल्म सरगम में मुझे गूंगी लड़की का रोल मिला है। श्री ईरानी द्वारा विदेश से मंगाई गई टाकी मशीन जब बंबई पहुंची तो दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुख पृष्ठ पर इसका चित्र प्रकाशित किया था। आवाज की मशीन भारत पहुंची, समाचार को लोगों ने बड़े उत्साह से पढ़ा। मशीन को बड़ी धूमधाम से स्टूडियो में लाया गया था।